जब हम इंग्लिश में किसी से बात करते हैं, व्हेन वी टॉक टू एनीवन इन इंग्लिश, वी फेल टू अंडरस्टैंड वेरी सिंपल कंसेप्ट ऑफ दिस लैंग्वेज. नाउ यू मस्ट बी वेरी कंसर्न्ड कि व्हाट दैट कंसेप्ट इज. सो दैट कंसेप्ट इज अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. इट अपीयर्स टू बी लाइक दैट आई एम ट्राइंग टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द ग्रामर टर्म्स लाइक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट. नो, आई एम नॉट दैट मच कंसर्न्ड. बट वट आई रियली वॉन्ट यू पीपल टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्या है जो हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से आना चाहिए. लेट्स गो फॉर इट गाइस. अच्छा देखो बेटा, मान लो कोई व्यक्ति अगर सो जाता है तो सोने को तो इंग्लिश में हम स्लीप कहते हैं. कोई भी व्यक्ति अगर सो जाता है तो सोने को तो हम स्लीप कहते हैं. सोचो अगर मान लो मैं सो जाता हूं तो आई स्लीप. अब थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर दीजिए, एक बात पर जोर दीजिएगा गाइस. मुझे इतना सा बताओ बात करके कि आप ये स्लीप वाला जो काम है, सोने वाला जो काम है, इस काम का प्रभाव किस पे पड़ा. अगर मैं सोने वाला काम करता हूं तो मुझे बताओ ये सोने वाले काम का प्रभाव किस पर है. आप कहेंगे सर आप ही पर होगा, जब आप सोएंगे तो आप ही की नींद पूरी होगी, आप ही की बॉडी रिलैक्स होगी, आप ही को आराम मिलेगा. मैंने कहा यार ये तो बात ठीक है. तो यहां सोने वाला काम मैं रूटीन से जो करता हूं तो उसका प्रभाव मेरे ऊपर ही है. पर सोचो अगर मान लो मैं आपके सामने यहां पे कहता हूं आई वॉश, ये धोने वाला काम है. तो अगर मैं धोने वाला काम करता हूं तो क्या इस काम का प्रभाव भी मेरे ऊपर ही है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. अगर ये धोने वाला काम हो रहा है तो कुछ तो ऐसा होगा ना जो धुल रहा है. जोर दीजिए ना दिमाग पर. अगर धोने वाला काम किया जाए तो इस काम का प्रभाव किसी ना किसी पे तो पड़ेगा ना बेटा, कुछ तो ऐसा होगा जो धुलेगा. आप कहेंगे बिल्कुल, और वही बात यहां समझाना चाह रहा हूं. सो मैंने कहा आई वॉश, और वॉश के बाद मैं देखो क्या कह रहा हूं, आई वॉश माई हैंड्स. अब देखो यहां पर धुलता क्या है, ये चीज भी मैंने बताई, हाथ. सो आई वॉश माई हैंड्स का मतलब मेरे हाथ धुलते हैं. सो कोई भी ऐसा काम जिसे आप करते हैं तो आप चेक करके देखो उस काम का प्रभाव किसी और पे पड़ता है क्या. आपने कहा बिल्कुल पड़ रहा है, तो जिस भी चीज पे उसका प्रभाव पड़ रहा है आप उस चीज का नाम पीछे लगा देंगे. तो दो तरीके के एक्शन. अगर मैं ग्रामर की बहुत डेप्थ टर्म में जाऊं ना बच्चों, ग्रामर के बहुत बारीक टर्म में जाऊं, तो एक बात मैं आप लोगों को कहूंगा कि कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें आप करेंगे तो उस काम का प्रभाव उसके करने वाले पर ही पड़ता है, और कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो उसका प्रभाव किसी ना किसी पर तो पड़ेगा. कोई ना कोई तो है जिसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा. कोई और, कोई और मतलब वो करने वाले पर नहीं, जो कर नहीं रहा मतलब उसके ऊपर उसका प्रभाव. जैसे देखिए हाथों पर प्रभाव पड़ा धोने वाले काम का, पर सोने वाले काम का प्रभाव सोने वाले व्यक्ति पर ही पड़ा. सो ये दो तरीके की हम एक्शंस को यूज करते हैं, वर्ब्स को यूज करते हैं. तो ये जो एक्शन है बेटा जिसका प्रभाव करने वाले पर पड़ा, इस एक्शन को, इस काम को आप और मैं इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ये इंट्रांजिटिव है. और एक ऐसा काम जिसको किया उसका प्रभाव किसी और पे पड़ा, तो ऐसी सभी वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं. ये होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. सो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव एंड दैट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव. ये ट्रांजिटिव है तो वो इंट्रांजिटिव है. एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं बेटा. देखिए अगर मान लो मैं यहां पर कहता हूं क्लीन करने वाली बात, अब क्लीन तो साफ करना हो गया, तो आप थोड़ा सा सोच के देखिए तो यहां पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो साफ होगा और कोई ना कोई ऐसा है जो उसे साफ करेगा. अगर मान लो टेबल है तो मैंने लिखा द टेबल. अब ये वो चीज है जो साफ हुई, ये वो चीज है जो हाँ साफ हुई, और कोई तो है ना जो उसको साफ कर रहा है. वो साफ करने वाला कौन है? मैं हूं. आई क्लीन द टेबल. सो आई क्लीन द टेबल का मतलब मैं टेबल को साफ करता हूं. तो अगर इसको हम देखते हैं तो इससे पता चलता है कि वो कौन है जो ऐसा करता है, और इसको देखते हैं तो इससे पता चलता है कि उस काम का प्रभाव किस पर पड़ता है. आई क्लीन द टेबल, मैं टेबल को साफ करता हूं. ये बात समझने की जरूरत है. सो
दो तरीके की वर्ब मैंने बताई। अब जैसे छोटा सा एग्जांपल देखिए, चलने को इंग्लिश में वॉक कहते हैं, चलने को इंग्लिश में वॉक कहते हैं, चलने वाला काम चल रहा है तो वॉकिंग है, जैसे मैं चल रहा हूं तो वॉकिंग है, पर जब मैं चल रहा हूं तो चलने का प्रभाव तो मेरे ऊपर ही पड़ेगा ना। सो वॉकिंग में मैंने बोला आई एम वॉकिंग, तो मैंने ध्यान से देखिए इस वॉकिंग के बाद मैंने यहां कुछ भी ऐड नहीं करने की जरूरत, क्यों करूं बेटा क्यों करें। तो आज से एक नियम बनाएंगे आप सब लोग कि आपके आसपास जितने भी काम हो रहे हैं जस्ट थिंक ऑफ देम गाइस, उनके बारे में सोचिए और ये देखिए कि उस काम का प्रभाव किस किस पर पड़ रहा है। तो जिस जिस पर उस काम का प्रभाव पड़ा उस चीज का नाम उसके पीछे आ जाएगा। पर कुछ काम ऐसे मिलेंगे बेटा जो होंगे पर उनका प्रभाव किसी और पे नहीं पड़ेगा, ऐसे वर्ब्स को हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। तो हमेशा किसी वर्ब के बाद किसी का नाम लगाना ही होता है, दैट्स नॉट द रियलिटी, वो सच नहीं है बच्चों। तो दो तरीके के काम है। अब मैं ये वाली बात केवल पढ़ाने के लिए आज की क्लास को नहीं बना रहा हूं, मैंने कहा स्पेसिफिक क्लास है बस एक कंसेप्ट को समझाने के लिए। अब कोर्स के एंड पे आ रहे हैं तो आपकी क्लास में एक स्पेसिफिक कंटेंट के ऊपर काम होना शुरू हो जाएगा सर। अब एंड तो नहीं कहूंगा मैं, पर कोर्स में मतलब अब एक नेक्स्ट लेवल पर आ रहे हैं तो अब कंटेंट दूसरे लेवल पर आना शुरू होगा, स्मॉल वीडियोस के साथ सीधा सीधा टू द पॉइंट बातों को हिट करना, और मैं उसी को हिट करने के लिए चल रहा हूं सर। अब कई बार ऐसा भी तो होता है बच्चों कि किसी काम को जो व्यक्ति कर रहा, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, आप यहां पर देखिए, ये तो गोली मारना होता है, गौर से देखिए सर, ये गोली मारना है। तो यहां पर ध्यान से देखो गोली कौन चला रहा है और गोली कौन खा रहा है, पर ये भी तो गोली मारना है। यहां देखो गोली कौन चला रहा है और ध्यान से देखो लगेगी किसे, गोली तो चलेगी पर यहां लगेगी किसे और यहां किसे लगेगी, दोनों में फर्क है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो मैं यही फर्क को समझाते हुए आप लोगों को बोलता हूं, देखिए कैसे, दो सेंटेंस देखिए, आई विल शूट यू, आपको याद होगा सर विल कब आता है, होगा। सो आई विल शूट यू का मतलब यहां पर मैं आपको गोली मारूंगा, आई विल शूट यू। पर अगर मान लो मैं एक सेंटेंस ऐसा बनाने की कोशिश करूं कि आई विल और विल के बाद यहां पर शूट और शूट के बाद मैं कह दूं मी, तो दैट्स नॉट राइट गाइस, ये ठीक नहीं है। आई विल शूट मी इट्स नॉट राइट एट ऑल। अब नई बात है आप लोगों के लिए, अब गौर से देखिए यहां पर क्या है, यहां पर देखिए काम को जो कर रहा है और जिसके साथ काम हो रहा है वो दोनों लोग अलग अलग हैं। यहां गोली चलाने वाला गोली खाने वाला व्यक्ति अलग है, बस सोच के देखिए यहां पर ये जो गोली चला रहा है और ये जिसको वो गोली लग रही है, क्या वो भी अलग अलग है क्या, क्या वो भी अलग अलग है क्या, नहीं है। यहां पर क्या हो रहा है, जो आदमी गोली चला रहा है और जो आदमी गोली खा रहा है वो बंदा सेम है सर, उस काम का प्रभाव उसी पर पड़ रहा है। और जब कभी भी किसी काम को आप करें और उस काम का प्रभाव उसके करने वाले पर ही पड़ता हो, किसी भी काम को आप करें और उसका प्रभाव उसके करने वाले पर ही पड़ता हो, तो फिर ऐसी स्थिति में मी नहीं, ऐसी स्थिति में माई सेल्फ। एक वर्ड सीख रहे थे ना आप सेल्फ वाले, आई के लिए माई सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ, वी के लिए आर सेल्फ, दे के लिए देम सेल्फ, ही के लिए हिम सेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ, उस सेल्फ वाला वर्ड एक नया सेंटेंस सिखा रहा हूं बेटा। आप स्पीकिंग आप बोलते वक्त बहुत यूज करते, किसी को भी हम कह देते हैं खुद को चाटा मार, ऐसा बोल देते हम खुद को चाटा मार, खुद को चाटा मार, रैगिंग चल रही है किसी कॉलेज में तो सीनियर क्या कह रहा है, खुद को चाटा मार, तो चाटा मारना तो स्लैप होता है, तो जब आप उसको कह रहे खुद को चाटा मार तो उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्लैप योर सेल्फ। फिर से देखिए क्या बोला मैंने, स्लैप योर सेल्फ, तो स्लैप का मतलब चाटा मारना, तो जो चाटा मारेगा और जिसको चाटा लेगा बंदा सेम है, तो स्लैप योर सेल्फ, स्लैप योर सेल्फ, स्लैप योर सेल्फ का मतलब खुद को चाटा मार। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, अब मान लो किसी भीड़ के सामने गए और कह रहे हैं कि सर मैं आज आप लोगों के अपने आप लोगों को अपने बारे में बताऊंगा, एक नया वर्ड है। आप क्या कहते हैं, आप किसी भीड़ के सामने अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो, कह रहे कि नाउ, नाउ मतलब अब मैं अपने बारे में आप लोगों को बताऊंगा, तो देखिए क्या कह रहा है, नाउ और नाउ के बाद कहता है आई विल इंट्रोड्यूस, बताना, किसी का परिचय देना इंट्रोड्यूस होता है। अब देखो जो व्यक्ति परिचय देगा
और जिसका परिचय देगा, जो व्यक्ति परिचय देगा और जिसको परिचय देगा, देखो उसको, अब देखिए, आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, किसको, आप लोगों को, टू यू, जिसको परिचय जाता उसका नाम, आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू, तो आज मैं आप लोगों को अपना परिचय दूंगा। ये योर सेल्फ का वर्ड आता है। अब मैं कुछ बेसिक सी वर्ब है और बताने की कोशिश करूं तो बड़े ध्यान से देखिए। जैसे कई बार हम कहते हैं ना, सर आप खुद को क्यों ठेस पहुंचा रहे हो, हम कई बार बोलते हैं कि खुद को ठेस मत पहुंचाओ, खुद को मतलब आप क्यों ठेस पहुंचाओ, मत पहुंचाओ, तो किसी को ठेस पहुंचाना बेटा इंग्लिश में बोलते हैं हर्ट, मत करो ऐसा, डोंट हर्ट। और किसको मत करो, खुद को मत करो, तो डोंट हर्ट योर सेल्फ, डोंट हर्ट योर सेल्फ, खुद से प्यार करो। कितना बोलते हैं खुद से प्यार करो, तो प्यार करना तो लव है, प्यार करना लव है, आप करें तो यू लव, और किसे करें, अपने आप को करें तो यू लव योर सेल्फ, यू लव योर सेल्फ, तो किससे काम होगा, आपसे ही होगा, तो यू लव योर सेल्फ, काम किया और खुद पे प्रभाव पड़ा। एक और वर्ब देखिए जो आप बहुत यूज करते हैं, कई बार कहना मौज करो, ऐसे बोलते ना, मौज करो, एंजॉय करो, तो एंजॉय करो आप ऐसे बोल देते, तो आप इसे केवल इतना बोले, बोले इतना ना बोले कि केवल एंजॉय, आप इसे पूरा बोले एंजॉय योर सेल्फ, ऐसे बोलते बेटा एंजॉय योर सेल्फ, मौज करो, एंजॉय योर सेल्फ। कई बार कहते धोखा, खुद को धोखा मत दो, कई बार कहते खुद को धोखा मत दो, तो धोखा देना तो चीट होता है, इसी को दूसरे शब्दों में तो कट योर ऑन थ्रॉट, कट योर ऑन थ्रॉट। सो देखो, एक तो ये बोलते डोंट कट योर ऑन, अपने हाथों अपने पैरों पे कलाड़े मारना, खुद का नुकसान खुद कर बैठना, इसे तो कहते कट ऑन थ्रॉट, सो डोंट कट योर ऑन थ्रॉट। एक कहते भाई साहब खुद को धोखा मत दो, तो डोंट चीट। अब देखो, एक तो कहते डोंट चीट मी, तो मुझे धोखा मत दो, एक कहते डोंट चीट योर सेल्फ, डोंट चीट योर सेल्फ, तो आप खुद को धोखा मत दें, डोंट चीट योर सेल्फ। क्या सीखा बेटा आपने? अब अपने आप से प्रश्न पूछिए, आपने अभी अभी मेरे साथ क्या सीखा, कि जब हम कोई काम करते हैं और उस काम का प्रभाव किसी और पे पड़ता है, एक ये सेंस होती है, जैसे मैंने गोली चलाई, जैसे मैंने चाटा लगाया, मैंने सुमित को चाटा मारा, मैंने सुमित को चाटा मारा, सो आई स्लैप्ड सेकेंड फ्लोर, आई स्लैप्ड सुमित, यहाँ पे चाटा मारने वाला कोई और है, खाने वाला कोई है, एक मैंने खुद को चाटा मारा, खुद को चाटा मारा, तो आई स्लैप्ड माई सेल्फ, काम किया और खुद पे, जैसे कहते उसने फांसी लगा ली। अब देखो उसने क्या कहते, फांसी लगा, बेटा ध्यान देना इस वर्ब को, एक होता है हैंग, हैंग की दो फॉर्म होती बेटा, हैंग हंक हंक, एक तो ये होती बच्चों, एक होती है हैंग हैंग्ड हैंग्ड, एक ये फॉर्म होती है। जब हम हैंग हैंग्ड हैंग्ड कहते हैं तो ये फांसी लगाना होता है, और जब हम हैंग हंग हंग कहते हैं तो उसका मतलब किसी चीज को कहीं पर टांग देना होता है। जैसे क्या हुआ कि आपने कहीं पर कोई फोटो टांग दी, कहीं पर कुछ तौलिया टांग दिया, कपड़े टांग दिए, टांगना मतलब हैंग हंग हंग, और फांसी मतलब हैंग हैंग्ड हैंग्ड। अब कह रहे हैं वो अमित ने खुद को फांसी लगा ली पिछले हफ्ते, अमित ने पिछले हफ्ते खुद को फांसी लगा। अब सोच के देखो, फांसी लगाने वाला व्यक्ति और जिसको फांसी लगी कोई अलग अलग नहीं है, जिसने लगाई फांसी उसी को लगी। और जब खुद के साथ कोई काम होता है तो बनेगा ना वही वाली बात, सर देखो अब क्या कहेंगे, सर वहां पे क्या कहेंगे, कल पिछले हफ्ते अमित ने, तो अमित हैंग्ड, अमित हैंग्ड हिमसेल्फ, कब कब कब, लास्ट वीक, अमित हैंग्ड हिमसेल्फ लास्ट वीक, तो अमित ने खुद को फांसी लगा ली, अमित हैंग्ड हिमसेल्फ लास्ट वीक, काम किया और उसका प्रभाव खुद पे ही पड़ा, रिफ्लेक्सिव आएगा, काम किया पर उसका प्रभाव किसी और पे पड़ा तो कोई पॉइंट नहीं है, उसका नाम आ जाएगा। तो अब सोचना है आपको, अब कुछ ये एक्शंस हैं, आप इंग्लिश को थोड़ा सा फील करना है, बट आज वाली क्लास को आपको एंजॉय करना है। सर अब कुछ वर्ड मैंने बोले, सर एंजॉय योर सेल्फ, डोंट हर्ट योर सेल्फ, डोंट चीट योर सेल्फ, डोंट कट योर ऑन थ्रॉट,
I will introduce myself to you people. So, ये myself, yourself, ये transitive, intransitive, इसके ऊपर focus करना है. उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का session बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा. Everybody, yes or no? धन्यवाद. बताते रहें कोर्स के बारे में और प्रैक्टिस करते हैं. डोंट स्टॉप स्पीकिंग. बहुत सारे बच्चे सेंटेंस लिख के भेजते हैं, बेटा डेली सेंटेंस बना के व्हाट्सएप पे डालो, बहुत मजा आएगा. थैंक यू.